हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे गाइस और बहुत बढ़िया रहना भी है। तो गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेकर के, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेसिक टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका गेम प्ले नॉर्मल से बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पर चला जाएगा। इसको लेजेंडरी बनते हमेशा यूज़ करते, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो गाइस यार, पूरा वीडियो देखना, एक एक टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो भाई चलो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स गो। गाइज यार, बात करते हैं टिप नंबर 1, एनिमी लोकेशन। एनिमी लोकेशन क्या है गाइज यार, सबसे पहले हम लोग फाइट लेने से पहले एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, एनिमी के बारे में नहीं पता करते कि एनिमी कहाँ पे है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हो, मेरे को पहले से पता चल चुका है एनिमी कंटेनर के पीछे, तो मेरे को इसको मारना बहुत ज्यादा ईजी हो गया। तो गाइज यार, आप जब भी नॉर्मल मैच खेलो चाहे TDM खेलो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो बंदे का लोकेशन पता करो, बंदे का स्पॉट प्लेस पता करो कि बंदा कहाँ पे है। अगर बंदा वहां पे कैंप भी कर रहा हो, अगर आपको पता होगा ना, तो भाई आप उसको ईजी तरीके से मार सकते हो। लेकिन अगर आप बंदे के बारे में पता ही नहीं होगा कि बंदा कहां पे, तो भाई आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप कहोगे भाई बंदे ने कैंप करके मार दिया। तो गाइस यार, आप कोशिश करो हमेशा पहले बंदे को भाई लोकेट करो, लोकेट करने के बाद ही उससे फाइट लो। पहले आपको नॉलेज होना चाहिए बंदा कहां है। अब हम लोग बात करते हैं टिप नंबर 2, कवर। गाइस यार, कवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंदे ओपन में ही फाइट ले लेते हो यार। आप लोग ओपन में फाइट कभी मत लिया करो, जब भी लिया करो कवर में रह करके खेला करो। इसका मतलब ये नहीं कि कवर में रह करके आप कैंपिंग ही पूरा मैच कर जाओ, तो नहीं यार, कैंपिंग नहीं करना है। मैं आपको ये छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, मैंने यहां पे कवर में लेकर के बंदे को डैमेज दिया, लेकिन यार मैं यहां पे बहुत अच्छा खासा डैमेज हो चुका था, उसके पीछे एक और बंदा रहता है, इसीलिए मेरे को यहां कवर में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस यार, कवर का मतलब ये है कि अगर आप डैमेज हो जाते हो या फिर आपको बहुत ज्यादा आपकी एमो नहीं लगती या रिलोडिंग पे चले जाते हो, तो भाई कवर में रह करके हमेशा रिलोड करो। गाइस अब टिप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, टिप नंबर 3 जिगल। गाइस अगर आपको जिगल लेने नहीं आता है तो भाई आपको सीखना पड़ेगा, जिगल बहुत ही खतरनाक टिप्स है। गाइस यार, अगर आप क्लोज रेंज में हो किसी बंदे के पास और भाई आपके पीछे कोई कवर नहीं है, तो वहां पे आप जिगल ले सकते हो। जिगल लेने से भाई क्या होता है कि एनिमी की एमो जो होती है इधर-उधर निकल जाती है, आपको ज्यादा बॉडी को अटैच नहीं। तो गाइस यार, अब हम लोग बात करते हैं टिप नंबर 4 है प्रोन शॉट। प्रोन शॉट क्या है गाइस, यहां पे देख सकते हो मैं यहां पे फाइट नॉर्मली जा रहा था, अचानक से बंदा मेरे को साइड से मारता है। अगर मैं यहां पे प्रोन नहीं हुआ होता तो भाई ये मेरे को पूरा किल कर जाता। तो भाई आपको हर जगह प्रोन नहीं करना है, ऐसी ऐसी जगह पे करना है जहां पे आप डिफिकल्ट कंडीशन में फंस जाते हो, जहां पे आपके पास कोई कवर नहीं है और भाई दो दो तीन तीन बंदे आपको घेर चुके, तो वहां प्रोन हो जाओगे तो बंदे का पूरा एम बिगड़ जाता है और आप इजी किल कर पाओगे। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 5 जंप शॉट। तो गाइस यार, जंप शॉट भी बहुत ज्यादा खतरनाक टिप्स है, लेकिन इसको हमेशा आप क्लोज रेंज में फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रेंज में भी आप जंप लेने लगो, ऐसा कुछ मत करना यार। जब भी करना, कवर में से बाहर निकलना, अचानक से जंप लेके मारना, इससे क्या होता है अगर बंदा एनिमी आपको गोली मारने की कोशिश भी करेगा तो उसका गोली लेग पे लगेगा, आपके हेड या बॉडी पे नहीं लग सकता है। तो गाइस यार, टॉप 5 टिप्स बहुत तगड़ा है ये वाला, आप इस टिप को जरूर फॉलो करो, रूप से बहुत जल्द प्रो बन जाओगे। तो गाइस यार, प्लीज इसको फॉलो करना। और मैं बता देता हूँ कुछ और भी बातें आप लोग को। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने जो बताया था एनिमी स्पॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप हमेशा लोकेशन ट्रैक करो पहले बंदे का, तभी फाइट लो। कुछ बंदे होते हैं बस गोली की आवाज सुनते ही बस फाइट लेने चले जाते हैं, ऐसा मत करो। बंदे का हमेशा एकदम आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको कवर में बहुत सारे बंदे देखते हैं ओपन में ही खेलना चालू कर देते हैं, कहीं भी अंधाधुंध निकल जाते हैं, कहीं भी मारने लगते हैं, जिगल विगल सब लेने लगते हैं। लेकिन यार, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप कवर में रह करके खेलो, क्योंकि हर जगह जिगल आपका काम नहीं करेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि सामने वाले बंदे का जो फोन होता है आपसे ज्यादा अच्छा होता है 90 FPS पे, तो भाई आप कितना भी जिगल लोगे वो आपको इजिली मार देगा। तो भाई यार, फोन भी बहुत मैटर करता है यहाँ पर आपका। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, प्रोन शॉट पे बहुत सारे बंदे गलती करते हैं। गलती ये नहीं करना है आपको, आप कहीं भी आप प्रोन शॉट हो जाओ ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा प्रोन शॉट वहीं पे हो जहां पे भाई आप ना मार पाओ, बहुत जैसा लगे कि आप सामने वाला बंदा बहुत गंदा डैमेज दे रहा है, झटके में आपके सामने आ गया। अगर वो आपके सामने झटके में एकदम जस्ट सामने आ जाता है तब वहां पे प्रोन लो, इससे क्या होगा बंदे का एम पूरा बिगड़ जाएगा। और अगर आप पहले से प्रोन होकर के शॉट लेने की कोशिश करोगे तो बंदा आपको अगर स्पॉट कर लिया, बंदे को अगर आपका लोकेशन पता चल गया कि तुम यहां पे लेटे हुए, तो भाई वो आपको इजी किल कर देगा। तो गाइस यार, कैसी लगी ये टिप्स एंड ट्रिक, तो भाई यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और भाई ढेर सारा प्यार दिखा देना, ताकि मैं BGMI पे और भी बहुत सारी काफी वीडियोस लेके आ पाऊं। तो भाई यार, मैं जितना उम्मीद करता हूं उतना व्यूज भी नहीं आता ना उतना लाइक आ पाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी रुक करके काम कर रहा हूं। अगर आप लोग का प्यार ढेर सारा मिलता है तो मैं और भी जल्दी जल्दी काम करूंगा, और भी खतरनाक टिप्स ट्रिक्स और भी बहुत सारी चीजें हैं BGMI में, तो मैं उन सारी चीजों को आपको बता दूंगा। तो गाइस यार, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपन, अभी के लिए बाय बाय।